हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट को समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम कौन से टॉपिक पे, कवर करने, वाले हैं। यहां पे हम ये सारे कवर करने वाले हैं जहां पे हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है नंबर सिस्टम में ही हमने नंबर सिस्टम का जो बेसिक होता है वो कवर कराया है साथ में डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी कवर हो गया है आज हमारा इसी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है यूनिट डिजिट ठीक है अब यूनिट यूनिट डिजिट को हम अच्छे से समझ लेते हैं यूनिट डिजिट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है बचाना है अगर ये आपने ये लाइन आपने याद कर ली तो समझ लो पूरा यूनिट डिजिट जो है वो आपको कवर हो गया आपको आ गया क्या करना है जो भी हमारी घात दी गई है घात कितनी होनी चाहिए चार से ज्यादा होनी चाहिए अगर चार से ज्यादा घात है तो हम क्या करेंगे घात को चार से डिवाइड करेंगे फिर हमें रिमाइंडर जो आएगा उसको घात के रूप में लगा देना है ठीक है अगर आपको और थोड़ा डीप में समझाया तो कुछ आपको इस तरीके से तीन बॉक्स बना लेने पहले बॉक्स में हमारा क्या आएगा दूसरे बॉक्स में हमारा क्या आएगा और तीसरे बॉक्स में हमारा क्या आएगा तो भाई पहले बॉक्स में हमारा आएगा जीरो वन फाइव सिक्स दूसरे बॉक्स में हमारा आएगा फोर नाइन तीसरे बॉक्स में हमारा आएगा टू थ्री सेवन एट इन बॉक्सेस का मतलब क्या है बात आती है इन बॉक्सेस का मतलब क्या है तो इन बॉक्सेस का मतलब क्या है भाई कोई भी नंबर वो अगर यूनिट डिजिट में ठीक है यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का अगर हिंदी में मतलब समझना है तो भाई आखिरी वाला अंक इकाई वाला, वाला, वाला अंक भाई हमारा यूनिट डिजिट होता है अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर है ठीक है जैसे कि मान लो हमारा सौ हुआ यूनिट डिजिट में क्या है जीरो है इसके हम पावर कुछ भी करें कितनी भी कर ले पावर हम कुछ भी कर ले वही हमारा सेम जीरो ही हमारा आएगा जैसे कि अगर यूनिट डिजिट में हमारा एक सौ एक है ग्यारह ले लो इक्कीस ले, ले लो इकहत्तर ले लो ये ले लो इसकी पावर हम कितनी भी करें पचास ले, कर लें सौ कर लें डेढ़ सौ कर लें कितनी भी कर लें इकाई के अंक में डिजिट पे हमारा एक ही आएगा ऐसे ही कोई भी हम नंबर ले लेते हैं पचपन ले लेते हैं इसमें हम पावर कितनी भी चढ़ा दे कोई भी पावर चढ़ा दे या आंसर में यूनिट डिजिट में हमारा फाइव ही आएगा ऐसे ही सिक्स में हम कोई भी नंबर ले, ले लेते हैं मान लो हमने छाछ ले लिया इसकी पावर हमने कुछ भी कर ली ठीक है और यूनिट डिजिट में हमारा सिक्स ही आएगा ये है इन खासियत की नंबर मतलब इन नंबरों की खासियत ये है कि हम इनकी पावर अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर है और इनकी पावर कुछ भी है तो इन, हमारा यूनिट में। वही अंक आएगा और इन वाले अंकों की क्या खासियत है इन वाले अंकों की खासियत हमारी ये है कि ये जो हमारे अंक है, ठीके? जैसे चार है चार की पावर अगर ऑड है ठीक है या कह लो चार की पावर अगर एक है तो हमारा क्या आएगा वही नंबर आएगा अगर देखो हमारा चार है चार की पावर इवन है या चार की पावर दो है तो हमारा क्या आएगा सिक्सटीन मतलब यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा सिक्स आएगा तो आपको समझ में आ गया अगर पावर ऑड है तो वही नंबर आएगा पावर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट पे सिक्स आएगा ऐसे ही हम नौ के लिए देख लेते हैं ठीक है नौ के लिए क्या होगा अगर नौ की पावर ऑड है या कह लो नौ की पावर हम समझने के लिए नौ की पावर एक रख लेते हैं तो हमारा वही नंबर आएगा यूनिटी सिट पे अगर नौ की पावर इवन है ठीक है इवन मतलब सम नंबर है या कह लो नौ की पावर दो एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा नोनिमी क्या सी होता है मतलब यूनिट डिजिट पे एक आएगा अब आपको समझ में आ गया अगर ऑड है पावर तो सेम नंबर आएगा अगर चार की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे सिक्स आएगा नौ की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे वन आएगा अब हम इसको समझ लेते हैं ये हमारा कौन है आ, ये है हमारा नेक्स्ट नंबर जो कि है टू थ्री सेवन एट इनमें क्या होता है इसमें अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर है इनमें जो भी पावर दी गई है तो इसमें हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे घात को चार से डिवाइड करेंगे शेष जो आएगा उसको हम रिमाइंडर बना देंगे ठीक है इसमें हमारा यही रूल आएगा और ये वाला रूल इनमें भी लगा सकते हैं लेकिन ये वाला रूल इनमें लगाने से कुछ फायदा नहीं क्योंकि इसमें हमारे वही नंबर आ जाएंगे जो नंबर भी हैं इसमें इवन ईवे वाला है इसमें हम ये रूल लगा देंगे ठीक है अब आपको यूनिट डिजिट के सारे रूल्स जो है वो पता चल गए ठीक है अगर ये पेज आपने लर्न कर लिया यूनिट डिजिट आपको आ गया ठीक है अब करते हैं अपने पहले क्वेश्चन ठीक है अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है विल विल्डर यूनिट डिजिटिव इनमें से इकाई अंक क्या होगा जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है ठीक है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है दस की पावर पंद्रह मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है जीरो ठीक है यहाँ पे वन यहाँ पे फाइव यहाँ पे सिक्स तो जब वही जीरो वन फाइव सिक्स सेम डिजिट है तो सेम इन वाले जीरो वन फाइव सिक्स में यूनिट डिजिट में भी सेम यही नंबर आते हैं तो हम इनकी क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो जीरो की बाई किसी से भी गुणा होगी तो यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा जीरो ही आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई जो हम किसी भी नंबर की करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है आए समझ में नेक्स्ट नंबर लेते हैं ठीक है और इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी जब आपको यहाँ पे जीरो हमने आपको बस समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन कराया है लेकिन यहाँ अगर कोई भी नंबर आप देख रहे हो उसमें मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में जीरो हमारा अगर यूनिट डिजिट पे दिया है तो ऑलरेडी हमारा वो जीरो आएगा ही आएगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है व्हाट विल द यूनिट डिजिट यूनिट ही पूछ रहा है क्या होगा जैसे कि इसका लास्ट इजिट सिक्स जब सिक्स होता है तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सिक्स ही आएगा फोर है फोर में हमने क्या सीखा था ऑड है ठीक है तो हमारा सेम नंबर आएगा ठीक है फोर की पावर अगर इवन है तो हमारा क्या आएगा यूनिट डिजिट पे सिक्स आएगा तो यहाँ पे तो ऑड दिया है मतलब फोर ही आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे नाइन है ठीक है नाइन के लिए इवन में हमारा क्या आएगा नाइन की ऑड के लिए हमारा क्या आता है सेम नंबर आता है नाइन के पावर इवन के लिए हमारा वन आता है तो इवन है तो हमारे यहाँ पे वन आ जाएगा तो चौब चौबी, चौबीस चौबीस से कम चौबीस तो चौबीस का लार्ड चार हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट डिजिट बतानी है यहाँ पे भी हमारे वही वाले नंबर दिए गए हैं कौन तो से टू थ्री सेवन एट जहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ता है भाई यहाँ पे सिक्स है ठीक है तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे टू की पावर सिक्स मल्टीप्लाई में थ्री की पावर नाइन मल्टीप्लाई में सेवन की पावर सेवन और मल्टीप्लाई में एट की पावर फिफ्टीन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो हम यहाँ पे जो करेंगे ना यहाँ पे हम सबकी पावर को चार से हमने क्या रूल सीखा था पावर को चार से डिवाइड करना है भाई चार से डिवाइड करेंगे दो की पावर दो का मतलब हमारा चार हुआ यहाँ से चार चार से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तीन की पावर क्या रिमाइंडर बचेगा दो चुकू आठ एक बचेगा मतलब तीन की पावर एक का मतलब तीन आ गया की से गुड़ा कर दो नौ सतरेसठ यहाँ पे भी हमारा तीन आ गया अब यहाँ पे पंद्रह चारियां बारह मतलब आठ की पावर तीन तो, हुआ आठ की पावर तीन का मतलब आठ गुड़े में आठ गुड़े में आठ आठ अठे चौसठ चार अठे बत्तीस तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया दो आ गया अब सबकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार ती बारह दो आया दो की तीन की मल्टीप्लाई छ आया छे की दो की मल्टीप्लाई छह दो नी बारह मतलब दो हमारा ही आंसर हो जाएगा क्या जाएगा आ जाएगा आंसर हमारा दो आंसर आ जाएगा ठीक है आ गया समझ में कैसे किया है पावर को चार से डिवाइड करके रिमाइंडर से सॉल्व करना है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है यहाँ की टू है थ्री है सेवन है एट है मतलब तो सब, सबकी पावर को हमें डिवाइड करना है ठीक है तो सत्तर है पावर किसकी पावर है बहत्तर की पावर सॉरी सत्ताइस हमने लिख दिया है बहत्तर है हमारा क्वेश्चन उतार लेते हैं बहत्तर की पावर सत्तर तैतालीस की पावर सैतीस फिर है हमारा चौरासी सत्तासी की पावर इक्कीस फिर है एक सौ आठ की पावर पचास ठीक है तो हमें करना क्या था हमें जो करना था वो हमें यहाँ पे क्या बताया हमने आपको पावर को चार से डिवाइड करना है सबकी पावर को ठीक है तो यहाँ पे हम दो को क्या बहत्तर को क्या मानेंगे दो मांग लेंगे ठीक है चार से इसको डिवाइड करेंगे चार एकम चार ठीक है बचा तीन चार से ते अठाईस दो बच गया ठीक है मतलब ये हमारा चार आ गया ठीक है अब इसको क्या करेंगे चार से चार अठे बत्तीस चार्बे में छत्तीस एक बच गया पावर मतलब तीन की पावर एक ये हमारा कितना आ गया तीन आ गया मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फिर हमारा क्या है सात की पावर चार पंजे बीस एक बचा मतलब ये हमारा क्या आ गया सात आ गया फिर हमारा क्या है आठ की पावर आ, पचास है ठीक है चार डिवाइड करेंगे चार एक चार एक बचा चारावर दो अठौ मतलब चौसठ चार आ गया तो चार बारा, और सात अट्ठाइस ठीक है और आठ और दो की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आठ दूनी सोलह यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो आठ दूनी सोलह मतलब छ छ हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व यूनिट सिर्फ पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है सिर्फ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करो आंसर हमारा आ जाएगा ठीक है अब हमारा यहाँ पे क्या है टू फिर से है थ्री फिर से है टू थ्री तो हो गया फोर में क्या होता है इवन वाला चलता है फाइव में क्या चलता है फाइव की पावर कुछ भी हो फाइव ही आएगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे इसको चार से डिवाइड करना पड़ेगा इसको चार से डिवाइड करना पड़ेगा चार तिया बारह पूरा पूरा कट गया और एक और बात ध्यान रखना जब हमारा पूरा पूरा कट जाता है ठीक है जब पूरा कट जाए तब हम क्या करेंगे जब पूरा कट जाता है तो पावर हम क्या मानेंगे पावर हम चार ही मानेंगे मतलब दो की पावर ये क्या हो जाएगी चार हो जाएगी और चारिया बारह मतलब एक बच गया हमारा तो तीन की पावर एक हो गया और चार की पावर इवन है ठीक है तो पहले तो इसको ही सॉल्व कर देते हैं चार दो दूनी चार और चार ची को तो हमारी सिक्स आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट इसकी हमारी तीन आ जाएगी और ये हमारी आ, चार की पावर इवन है जब चार की पावर इवन होता है तो हमारा सिक्स आता है और फाइव में तो फाइव ही आएगा तो हमारा छह या अठारह मतलब आठ आया आठ से छह की गुणा करेंगे आठ छ अड़तालीस फिर हमारा आठ आ गया आठ पंचालीस ठीक है ये हमारा चालीस मतलब जीरो हमारा आ गया ठीक है ये तो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि हमारा अठपन चालीस चालीस आया चालीस में यूनिट डिजिट क्या है जीरो है तो जीरो आ गया लेकिन हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्या तरीका है हमारा ये हमारा तरीका ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन की बात करें मल्टीप्लीकेशन में अगर फाइव है ठीक है मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास फाइव है फाइव के साथ कोई हमारा इवन नंबर इवन नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर रहे हैं हालांकि इवन जीरो हमारा इवन नंबर नहीं है ना ही ना ही हमारा ऑड नंबर है हम जीरो को भी ऐड कर रहे हैं जीरो टू फोर सिक्स एट ये नंबर है मल्टीप्लीकेशन में तो उसकी यूनिट डिजिट जो है ठीक है उसकी यूनिट डिजिट हमारी हमेशा जीरो ही आएगी क्योंकि तो पांच की इनके साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा जीरो ही बनाएगा लास्ट में ठीक है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी लेकिन सॉल्व करके बताया हमने ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे भी हमें याद करना है ठीक है वो जो ऑन कर देना जरा गई तो यहाँ पे क्या है इसमें इकाई अंक क्या होगा तो दो है इस दो है करना पड़ेगा यहाँ पे तीन है इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा इसको भी सोल्व करने का मतलब पावर को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है पावर में सॉल्व किसको करना पड़ता है टू थ्री सेवन एट को याद रखना तेईस अठहत्तर मैंने तो इस तरीके से लर्न किया हुआ है ठीक है और उसको जीरो एक सौ छप्पन और फोर्थ नाइन तो हमारा बचा ही हुआ है ये तीन ग्रुप याद कर लो बस ठीक है सॉल्व इसको करना पड़ता है खाली ठीक है तो हमें क्या करना है फिलहाल दो यहाँ पे पावर जो है वो हमारी कितनी है पांच तो हमको दिख नहीं रहा बा, पावर बारह है तो हमने अभी आपको बताया था चार से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा तो मतलब दो की पावर चार तो यूनिट डिजिट पे हमारा अभी हमने सॉल्व किया था चार को सोलह सिक्स आएगा यहाँ पे तीन की पावर सोलह मतलब हाँ तीन की पावर सोलह मान सकते हैं अब इसको भी चार से अगर डिवाइड करते हैं सोलह को हमें हाँ भी इसको चार से डिवाइड करना है इसको चार से डिवाइड करना है इसको चार से डिवाइड करना ये भी पूरा कट जाएगा मतलब तीन की पावर हमारी क्या आ रही? रही है चार बन रही है इसमें भी पूरा कट जाएगा तो सात की पावर हमारी चार बन रही है तो ये हमारा क्या होता है तीन तिया नौ और नौ नेम इक्यासी इक्यासी मतलब एक आ गया ठीक है सात सत्य उनचास और नौ नेम इक्यासी इसमें भी हमारा एक आ गया तो हमारा क्या आ रहा है सिक्स बन रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ठीक है हमने क्या किया हमें ये नहीं तीनतिया नौ तीया तीन तीनतिया नौ ती सताइस तियासी इस तरीके से गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें पता है तीन तिया नौ जो होता है कैसे बना इससे बना और इधर हमारा तीनतिया नौ किससे बना इससे बना इनकी इनकी गुणा कर दो ना नौ क्या सी होता है डायरेक्ट यूनिट डिजिट कर दो नौ नौ में क्या होता है एक ले लो बस सिंपल से हमें काम करना है ठीक है तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया अब करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ठीक है ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें भी इकाई अंक बताना है भाई हमने क्या बताया था जीरो वन फाइव सिक्स फोर नाइन और फिर हमने बताया था टू थ्री सेवन एट इसमें ये तो इस ग्रुप में आ रहा है मतलब डिजिट क्या हो जाए और पहली बात तो आपको एक चीज देखना है इसमें फाइव है फाइव के साथ तो हमें कई सारे इवन नंबर दिख रहे हैं तो मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सॉल्व करने पर सिंपल से सॉल्व हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे इसका वन आ जाएगा ठीक है टू की पावर फोर अभी हमने सॉल्व किया था इसमें हमारा सिक्स आ जाएगा और यहाँ पे वन बचेगा यहाँ पे हमारा थ्री आएगा और यहाँ पे फोर की पावर इवन है तो हमारा क्या आएगा सिक्स आएगा और यहाँ पे फाइव आएगा अब आप चाहें तो इनकी अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हमारा कुछ और आता जैसे कि छह अठारह आठ आया आठ की छह से गुणा करेंगे छठ अड़तालीस फिर आठ आया आठ एकमा आठ आठ आता लेकिन आठ के साथ हमारा पांच भी है आठ पंचालीस हो गया तो हमारा जीरो आ गया ठीक है फिलहाल इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने आपको एक 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 सॉल्व करके बताया ठीक है तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही है और बाकी अभी हमारे कई सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कई सारे हमारे क्वेश्चन अभी इसमें हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय